बाकायदे थाने के भीतर गए थे लोग, अतरौली थाने में, उसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन थे, नदीम खान थे, कई और लोग थे, और अमित सेन गुप्ता थे सीनियर जर्नलिस्ट। और थाने के भीतर इनके पहुंचने के बाद दरोगा के पास एक फोन आता है और उसके 5 मिनट के भीतर करीब 100-150 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बजरंग दल वाले, बड़ी मुश्किल से लोग बच के आते हैं। तो थाने के भीतर जो हमला हो रहा है, तो थाने के बाहर तो कोई आश्चर्य नहीं है। दरअसल देखिए, मसला ये है कि गुजरात मॉडल, जिसको हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कहा करते थे, ये उस गुजरात मॉडल का सीधा साधा साकार रूप है, जहां पर राज्य को चलाने वाले का अनुभव, उसकी क्षमता, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपने किसी अपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा दिया जो व्यक्ति चाह रहा है कि मठ की तरह देश के सबसे बड़े सूबे को चलाए। अब महंत जी मठ चला सकते हैं लेकिन राज्य नहीं चला सकते हैं। लेकिन इसको आप केंद्र में देखिए, राफेल पर जो है वित्त मंत्री की जगह कृषि मंत्री बयान देता है, कृषि पर वित्त मंत्री बयान देता है। इस सरकार में, केंद्र में या यूपी में हो क्या रहा है किसी को पता नहीं है, और कौन क्या कर रहा है कुछ भी क्लियर नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि खुलेआम दंगाइयों को, अपराधियों को, और जितने भी हिंदूवादी संगठन, लंपट संगठन हैं, उन सबको खुली छूट मिली हुई है, किसी को मारें, पीटें, हमला करें, कोई रोकने वाला नहीं। और ये जिस परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में 75 बार दिन में एक लाइन दोहराई आती है कि भय बिन होइन प्रीत गोसाई, माने भय के बिना प्रेम नहीं होगा। तो ये पॉलिसी है इनकी कि जो राज कर रहा है उसमें डराओ, हाँ, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, तो डराओ और गाजर खिलाओ। तो अब जिसका सरकार है, जिसकी पार्टी है, जिसके ये अपने को नुमाइंदे मानते हैं, उन्हें वो गाजर खिलाएंगे, कैरेट, और जिनके नुमाइंदे वो नहीं है और जो उनको अपना नुमाइंदा नहीं मानते हैं, उनको छड़ी से बरतेंगे, स्टिक से, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ ही नहीं है, अमरेश मिश्रा इसके पहले भी गुड़गांव से उठा के गाजियाबाद की जेल में बंद किए गए थे सपा की सरकार में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। इसके साथ खासियत इस बार ये है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार या खट्टर की सरकार, आप बीजेपी की सरकारों को ले लीजिए, इनकी खूबी यह है कि इनके पास एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, जो विचारधारा किसी जाति विशेष और वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली है, और उन लोगों को पता है कि ये किसके लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। आप आज की तारीख में किसी भी आरएसएस समर्थक से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि एक कारण बताओ कि हम भाजपा को वोट क्यों दें, उनके सारे तर्क ढह जाएंगे, वो आखिरी जवाब ये देंगे कि तुम हिंदू हो तो भाजपा को वोट दो। तो ये विकास उकास का मामला, भयमुक्त मामला, ये सब जुमलेबाजी है। सारा मामला दरअसल हिंदू और मुसलमान का है, ठीक है। और जो हिंदू है, मन से जो हिंदू है, जो गोस्वामी तुलसीदास को मानता है, जो मनुस्मृति को मानता है, आरएसएस को मानता है, वो इन एनकाउंटरों से खुश है, और इस सरकार का मैसेज वहां तक पहुंच चुका है, इसलिए ये स्थिति और बदतर होगी, सुधरेगी नहीं।